इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव का ऐलान किया है। सभी नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। भारतीय पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के नेतृत्व वाली पुरुष क्रिकेट समिति ने MCC यानी मेरिलबोन क्रिकेट क्लब के 2017 के क्रिकेट के नियमों के तीसरे संस्करण में खेलने की स्थिति में बदलाव की सिफारिश की थी। निष्कर्षों को महिला क्रिकेट समिति के साथ भी साझा किया गया, जिन्होंने सिफारिशों का समर्थन किया। चलिए आपको बताते हैं कि वो नए नियम क्या हैं। सबसे पहला, बल्लेबाज के कैच आउट होने पर भी नया बैटर स्ट्राइक पर आएगा। खिलाड़ी गेंद पर थूक नहीं लगा पाएंगे। अगर कोई खिलाड़ी कैच आउट होता है तो उसकी जगह आने वाला नया बल्लेबाज ही स्ट्राइक लेगा। टेस्ट और वनडे में किसी बल्लेबाज के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज को 2 मिनट के अंदर पिच पर आना होगा। T20 इंटरनेशनल में डेड नियम का नियम बरकरार रहेगा। अगर गेंदबाज की गलती से बॉल पिच से दूर गिरती है तो भी स्ट्राइकर गेंद को खेल सकता है, लेकिन बल्लेबाज का बैट या पैर या कोई भी हिस्सा पिच में होना जरूरी है। अगर कोई भी गेंद बल्लेबाज को पिच छोड़ने पर मजबूर करती है तो वो नो बॉल कहलाएगी। गेंदबाजी के लिए दौड़ने के दौरान अगर फील्डिंग साइड से किसी भी तरह की अनुचित हरकत की जाती है तो अंपायर उस गेंद को डेड बॉल देने के साथ साथ बल्लेबाजी टीम को 5 रन बतौर पेनल्टी दे सकते हैं। मांकडिंग को ऑफिशियल रन आउट माना जाएगा। जब गेंदबाज की गेंद फेंकने से पहले नॉन स्ट्राइकिंग एंड का बल्लेबाज क्रीज से बाहर निकल जाता है और बॉलर अपना हाथ रोककर उस छोर की गिल्लियां गिरा देता है तो इसे मांकडिंग कहा जाता है। पहले एक गेंदबाज अगर ये देखता था कि उसकी गेंद फेंकने से पहले ही स्ट्राइकर ने मूवमेंट ले ली है तो वो उस बल्लेबाज को रन आउट करने के लिए गेंद थ्रो कर सकता था। अब इस तरह की गेंद को डेड बॉल माना जाएगा। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को